बेटा चिप्पूराम गुरु जी, बाबा घोपू दास के आश्रम को नजर लग गई है। क्यों? अभी तक कोई शिकार नहीं मिला, ना कोई ग्राहक आया झाड़ा पोछी के लिए। ओ ग्राहक आन लगे महाराज, तो क्योंकि वह बाबर हमारे यहाँ झाड़ा फूकी के लिए हर लोग रोज आया करते थे। आप मेरे गुरु हो, हाँ। अगर ग्राहक आ गए तो तुम हमसे महागुरु कहोगे? चेला, अगर तेरा उपाय सही निकला तो तू हमारा चेला है। तो इसका तोड़ एक ही है महाराज। क्या तोड़ है? हमारे पास दो नींबू, एक मिर्च है, कहो तो आपके गले में डाल दूं। अबे चेला, किसके डालने से क्या होगा? ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी महाराज। ये बात है जी महाराज। एक बात बताएं जी महाराज, तू क्या हमको असली बाबा समझ रहा है और तुम क्या हमको नकली चेला समझ रहे हो? मैं असली हूँ महाराज, मैं आपका ढोंग बहुत जानता हूँ। तो ठीक है, ठीक, बाबा भोपू दास के गले में वो ठोट कर डाल दे जिससे हमारे कहा काना शुरू हो जाए। महाराज देखो महाराज, ग्राहक चले आ रहे, नींबू मिर्च की बात करी, ग्राहक आना शुरू हो गए, कहीं गले में डाल देते तो क्या होता? सही कहता चेला, तेरा उपाय हमें बहुत पसंद आया। अब तुम एक काम करो महाराज, ध्यान में नील हो जाओ महाराज, जिससे हम उनको ये दिखाएं कि देखिए हमारे महाराज कितने पहुंचे हुए। हाँ, ठीक महाराज, ठीक है, ठीक महाराज। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। चल। नहीं जाऊंगी। चल गुरुजी के पास पिया लेकर चल। चल। तू चलेगी कैसे नहीं? जय हो गुरु। जय हो गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। चेला, हाँ, तुम्हारे गुरु तपस्या में लीन है और ये मेरी औरत बहुत परेशान है, इस पे किसी भूत का साया है। तू लेके क्यों आया है? गुरु जी के पास। महाराज, 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 वो झूम रही है, उस पर देखो कितनी जोर से आशिक है कोई भूत। गुरु जी, महाराज गए हुए हैं, ध्यान में मरे नहीं है, ये बुलाओ गुरु जी को, उठवाओ। गुरु जी, महाराज, महाराज कौन आया है? ये कन्या पे बहुत बड़ी सह है महाराज, इस कन्या को जी राक्षस लाया है, किसान लाया है महाराज। इस किसान से पूछ, तेरी औरत किसी बल के नीचे मूत के आई है। सही बताना, हाँ। तेरी औरत बल के नीचे खड़ो के मूत के आई है। इसका मैं ही एक बर हूँ, ये मेरे ऊपर थोड़ी मूंछ के आई है। तो आज से तेरा बल खत्म समझना, इससे पूछ खड़ो के मुंह था या बैठ के मुंह था। चेला महाराज, इससे पूछ तूने किसी बाल वाली औरत की चुटकी ली थी? किसान, हाँ। तेरी औरत ने किसी बाल वाले लड़के की चुम्मी ली थी? महाराज, मेरे ही बाल है, मेरी ही चुम्मी लिया करती है मेरी औरत। झूठ बोलता है, भस्म कर देंगे महाराज। केला, महाराज इस किसान को बता दे, इस पे बहुत बड़ा वाला भूत है।
इस पे पीवर वालों भूत है। और इस किसान को ये बता दे, इसका भूत उतारने में काफी समय भी लग सकता है। महाराज, इसका भूत उतारने में कम से कम 2-4 मिनट तो लगेंगे। नहीं केला। हाँ महाराज, काफी दिन लग सकते हैं। 2-4 साल समझ लो, हो सकता है, कहते हैं संभव है। महाराज, 1 घंटा? 1 घंटे में तो वो तैयार ही नहीं हो पाएंगे। महाराज, आपकी जादू की डिबिया है, 1 घंटे में तो आप उतार ही देंगे। डेरा बोला है, डिबिया बोला है, ड्रम भरा है। महाराज, इससे ये पूछ, अगर हमने 1-1.5 घंटे में इसका भूत उतार दिया तो इसका भूत कुछ चंद दिनों में फिर आ जाएगा, इसलिए इसको रात के 12 बजे हमारी कुटिया पर आना होगा। महाराज, रात के 12 बजे हम आएंगे और आपकी कुटिया पर? तुम्हें किसने कहा आने के लिए, इसको खुद भेजना। ये आपके पास आने में बड़ी परेशानी हुई है महाराज गुरुदेव। सुनो किसान चेला, इस किसान से कह दे कि अगर तू इसके साथ में आया तो इसका भूत तुझ पे आ जाएगा। अरे महाराज, किसान अगर इसके साथ में तू आया और टूट जाएगा तेरा एक पाया। महाराज, कुछ उपाय करो, बहुत झूम रही है ये। और चेला, इससे ये कह दे कि इस औरत को सिर्फ तू लेकर आएगा, कुटिया के अंदर तेरी औरत अकेली होगी और गुरु के साथ होगी, ना मालूम कब किस वक्त इसका भूत उतारने की संभावना हो जाए। सुना? जो हो, जो इसके साथ अलग आएगा, तू बाहर रहेगा, महाराज अंदर रहेंगे, कानों से कुछ सुनना नहीं, आंखों में पर्दा डालना। जय हो महाराज, जय हो गुरुजी, जय हो। कल खाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, माँ चंडी बंगाल वाली, ओम भट, ओम भट, ओम भट, पीछे हट। केला महाराज, इसका भूत उतरा, अभी इसको आराम मिल जाएगा। केला महाराज, ले ले भभूति इस किसान को दे दे और कह दे तू अपने घर जा, इसका भूत जब तक उतर ना जाए तू आना नहीं। ला चलम, लाओ चलम भर दे, इसका भूत उतरेगा। हाँ भभूति। हाँ किसान। हाँ ये भभूति क्या करूं महाराज, अंदर डाल ले। हो महाराज, बिखर रही है ये। चेला, कौन सी भभूति दे दी और घूमन लगी है महाराज। चेला महाराज, अब देख इसका भूत किस तरह से उतरता है। अब आई महाराज की हकीकत सामने, अभी ये और खेलेगी। और खेलेगी, अच्छू। मैं तुझे ये भभूति दे रहा हूँ, तू इस भभूति को ले और इसके ऊपर जिस्म पर मल दे, इसका भूत समाप्त हो जाएगा। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, तू भभूति लगाएगा, पकड़ ये भभूति। ओम शिव। जय गणू जी, गुरु जी। चल देख, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ और तू भभूति लगाना, इसका भूत उतर जाना चाहिए। आम काली कलकत्ते भाई। हाँ महाराज,
बाने मेरे सब उतार दिए, भूत पली जितने थे महाराज। एक काम करो महाराज, अब ये पली हुई है महाराज, फिर मैं तुझको भभूति दे रहा हूँ, अब लेट के इसका भूत उतार महाराज। अब जो चांस हमें ना दे गुरु, तुम्हारे हाथ की सफाई देखना चाहते हैं। चेला, तू अगर हमारा चेला है तो इसका भूत तू उतारेगा, मंत्र मैं पढ़ूंगा। महाराज आज अशुभ है। क्यों? आज दिन कौन सा महाराज? आज मंगलवार है। मंगल को तुम जानते हो, जो सवारी हो वो अच्छी भी हो सकती है महाराज, हम इस पे काबू नहीं कर पाएंगे महाराज। तुझे नहीं मालूम? क्या मालूम? मंत्र मैं पढ़ूंगा, हाँ भूत तू फिर उतारेगा, और देख अब ये ठंडी पड़ी है, और किसान अगर आए तो कह देना कि मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, अभी समय लगेगा। ये ठंडी पड़ी है? हाँ। वो कहीं हमें देख के गर्म हो गई महाराज, उसको मैं संभाल लूंगा। अब किसे माने टिटू ना पकड़ा था, वो कहीं उल्टी सीधी जगह पकड़ लिया तो। मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। हम तुम्हें खत्म कर देंगे महाराज, तुम हमें जानो तो हम तुम्हें जाना था महाराज। देख मैं फिर जा रहा हूँ, मगन हो रहा हूँ भक्ति में, और मंत्र में भगन हुआ, जब तक मंत्र पूरा पढ़ता रहूंगा जब तक तू उसको छोड़ना नहीं। मुझे वंदना करना पड़ती है, है? समझा? खाली खाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, चंडी मारो बंगाल वाली। ओम भट, ओम भट, ओम भट, जाओ। ध्यान रखियो महाराज, लंबे न खिंच जाइयो, हमारो ध्यान रखियो। गुरुजी, हमारी धर्मपत्नी का भूत कब उतरेगा? अभी ठड़ा तक नहीं हुआ महाराज, हमारे ऐसे ही बैठे ठड़ा तक नहीं हुआ महाराज हमारा, और पहले ही से आ गया। इसका भूत कब तक उतरेगा? ओहो, ये भूत रहा है, बहुत बड़ा भूत है, ये 4-6 बड़गन का भूत है महाराज। वो महाराज का इसके पास तोड़ है। हम तो बहुत देर बाद है, इस भभूति का क्या करें? तुम 5 मिनट रेल नहीं आ सकते थे बाबा? ध्यान में थे, हम लगे हुए थे। तुम लगे हुए थे बाबा मंत्रों में? तुम लगे थे बाबा ध्यान में थे, भूत में कैसे उतरेगा? तुम ये बताओ बाबा को जगा। गुरुदेव करीब जा, गुरुदेव किसान चेरा जागा मसान, इससे ये कह दे तेरी औरत के भूत में बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। तो तुम ये बताओ महाराज, कैसे पे चढ़ेगा कैसे पे उतरेगा? अभी तुझे मालूम नहीं? जबी कैसे पे उतरेगा कैसे पे चढ़ेगा, जबी जो रुकेगा जब चेला थकेगा। क्या हो गुरुजी? ध्यान में है, ध्यान में गुरुजी। चेला महाराज, इस किसान से कह दे कि अभी तू जा, क्योंकि बाबा गुरु मेहनत में लगे हुए हैं। इसको भरोसा नहीं है महाराज। हमें भरोसे बाबा पे भरोसा नहीं है, हम किनका भरोसा करें? क्या करा भूत? आज दे रहा बहुत जोर जोर से, अंदर शरीर में से आवाज आ रही है, शरीर में से आवाज आ रही है। भूत बोल रहा है, भूत बहुत जोर से बोल रहा है। फिर बोला, फिर बोला महाराज मैं क्या करूं? महाराज ध्यान में है और तू अपने मकान में जा सकता है। मैं उनके चरणों के पास बैठूं?
महाराज किसान गया, भभूति ऐसी रखी रही। चेला हाँ, अगर अब की किसान आए और कहे कि भूत उतरा हाँ, तो उससे ये कहना हाँ कि इस पे भूत नहीं है भूतनी है। जब तक इसकी मरेगी नहीं, जब तक उतरेगी नहीं। ठीक है ठीक है, मैं मंत्रों में लीन होता हूँ हाँ। किसान आ जाता है हाँ। मेहनत मेरी बेकार हो जाती है हाँ, और तू भी सारे मेहनत कर नहीं पाता है। देख महाराज, इसी आसन पे इसकी भूतनी उतरेगी। महाराज का पेट बड़ी जोर से हिलो महाराज, इसलिए मैं तेरे पीछे लगा बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। भूत तो तू मारेगा और तुम मेरे पीछे काहे लग रहे महाराज? अरे मैं भूतनी को बुला रहा हूँ, तू मारेगा इसकी भूतनी। महाराज बुलाई हो लगाई हो नहीं। ठीक है ठीक महाराज, चल शुरू हो जा, मैं फिर लगा हूँ अपनी भक्ति में। हाँ आगे चो तुम चो, ध्यान खेचो। महाराज भभूति तुम ही ले रही हो। केला भभूति, भभूति तुझे ये मालूम है भभूति कि हम भी पक्के साधु कोई महात्मा नहीं है। तुम बड़े वाले हो, तू इसका भूत नहीं उतार पाएगा। नहीं महाराज। जाओ अब एक बार और कोशिश करो। नहीं महाराज। जाओ केला। महाराज अब हिम्मत ना है। केला महाराज तूने प्रयास किया किया, भूत नहीं उतार पाया। नहीं उतार पाया महाराज। एक अब इसका भूत उतरेगा, अब मैं प्रयास करूंगा। जय बाबा। मैं कहा छोड़ दियो महाराज, मैं से हूं दे देते आप। महाराज 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 ध्यान है, ध्यान में ध्यान। ये क्या कर रहे हो महाराज? मैं इसका भूत उतार रहा हूँ। हम पूरा खेत खाट आए, अभी तक तुम भूत नहीं उतार पाए। अरे महाराज सही जगह पहुँच गए थे। कहा था कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ 3 बीघा का खेत खाट आए हम, और आगे तुम अभी तक भूत नहीं उतार पा रहे। महाराज ने कही टाइम लगेगा, टांग में हाथ लगा वैसे ही आ गए। तो टांगों से उतरेगा? किसको समझा दे, जहाँ से चढ़ा वहीं से तो उतरेगा। बाबा
आप भूत उतार से हो? बहुत बड़े उतरैया महाराज। तुम हमारी बीवी का भूत उतार रहे हो और भुसरी मार रहे हो? पहुंचे हुए महाराज। महाराज और महाराज आप हमें जानते हो, हम किसान हैं। कौन है बच्चा? हम किसान हैं। अरे किसान है तो क्या हुआ, मसान है? और बहुत देर से देख रहे हैं भूत उतारते हुए। मैं किसान हूँ, मसानों को मारता हूँ। तेरी माँ का बाबा तेरी का बाबा तुम्हारा पाखंडी बाबा चेहरा मार गया। चेहरा पाखंडी पाखंडी तुम्हारी माँ का पाखंडी बाबा मारू? मेरी औरत का भूत उतारने आए थे? अरे उठो प्यारी, उठो प्यारी, दोनों बाबाओं ने तुम्हारी भुसनी मारी, अब उठो हमारी प्यारी, चलो मेरे साथ। मैं तुम ये बाबा तुम्हारा भूत नहीं उतार पाए मेरी जान, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा भूत उतारेंगे। आओ मेरी जान।